દમણ સોમનાથના દાભેલ સ્થિત આવેલા ડીઆઈએ હોલ ખાતે 41મી એન્યુઅલ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મીટિંગ દરમિયાન પૂર્વ સાંસદ ડાહ્યાભાઈ પટેલ અને અન્યને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ નવા વરાયેલા અધ્યક્ષ શ્રી પવન અગ્રવાલજીએ કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. હાજર રહેલા ઉદ્યમીઓ દ્વારા તેમને પુષ્પગુચ્છ અપાયા બાદ તેમને અને તેમની ટીમને હાર્દિક શુભકામના આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે શરદભાઈ પુરોહિત, સેક્રેટરી સન્ની પારેખ, ટ્રેઝરર આર કે શુક્લાએ પોતાની ટીમ સાથે આવનારા સમયમાં ઉદ્યોગ જગતના દરેક કાર્ય પાર પાડવાની શપથ લીધી હતી. પવનજી, આજ એ જો ડીઆઈએ કી મીટિંગ હુઈ થી ઉસકે અંદર કમિટી બની હૈ તો કોન કોન આપકી કમિટી મે ઓર આગે જાકે આપ કિસ તરહ કામ કરને વાલે હૈ? देखिए, हमारी कमेटी में करीबन 15 से 17 लोग अभी इस बार आए हैं. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में 10 और को ऑप्टेड 2 और 2 स्पेशल इन्वाइटी है. ये कमेटी अगले 2 साल के लिए काम करेगी और उद्योग जगत में सबसे पहली बात तो ये कि हमारे अब 2000 से लेके 2500 करीबन जो एक्टिव इंडस्ट्री है और हमारे डीआई में जो मेंबर्स हैं वो करीबन 700 के आसपास है, 740 करोड़. हमारी प्राथमिकता ये होगी कि पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हम कोशिश ये करेंगे कि प्रशासन का सहयोग सबसे लें, जिससे कि जो चीज़ें यहाँ पर और भी, वैसे तो मैंने माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल साहब खुद भी बहुत उद्योगों के लिए आगे से बढ़ के कोशिश और सोचते भी हैं. हम उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने उद्योगों के लिए हर समय एक अच्छा वातावरण यहाँ के लिए तैयार करके दिया है, जिससे उद्योग यहाँ पर फल फूल रहा है. कोविड पीरियड में भी जो प्रबंधन रहा प्रशासन का और हेल्थ के मैनेजमेंट का बहुत उम्दा रहा. और आपने देखा कि यहाँ पर जो डीआईए हॉल के अंदर ही करीबन 1,00,000 वैक्सीनेशन हुए हैं, जो कि देश के पूरे रेशियो में सबसे ज़्यादा है. और स्टेट अगर आप दमन और सिलवासा के एंगल से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस रेशियो के साथ यहाँ की आबादी है. तो हमारी जो प्रशासन है वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सोच रही है और हम उस सोच को और आगे बढ़ाएंगे और प्रशासन से कंधे से कंधा मिलाएंगे. उद्योग के लिए जो भी जेन्युइन चीज़ें होंगी प्रशासन के सामने रखेंगे हम, जिससे उस पर कोई भी निराकरण निकले अगर कोई समस्या होगी तो जो जन्म होगी. आज वो मीटिंग के अंदर भी कुछ मुद्दे उठे हैं तो उनमें से कौन से मुद्दों का पहले प्रायोरिटी देके उनको सॉल्व करेंगे? देखिए, मुद्दों में पहले नंबर तो जो लोगों ने कहा कि हमारी संख्या बल कम है डीआई की, हम कोशिश करेंगे कि संख्या ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएं. जैसे हमने कहा कि पहले 2 साल में हमारा लक्ष्य है कि 700 को 1000 तक लेके जाए, ये हमारी कोशिश होगी. इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें जो पॉलिसी मैटर्स हैं, अगर उसमें उनको संशोधन को लेके आते हैं और कोई एडवाइस लेके आते हैं तो ऊपर तक हम बात रखेंगे. और जो भी जेन्युइन उद्योग की समस्या होगी, उद्योगों में और कैसे बाहर के इन्वेस्टमेंट आए, अभी आपने देखा कि एक वाणिज्यिक सप्ताह के नाम से एक अब उद्योग का बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगाया गया, तो ऐसी चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है जो निर्यात उन्मुख होगा और लोगों को इन्वेस्टमेंट दमन में जिस तरह से एक भयमुक्त वातावरण बन पाया है यहाँ पर और उद्योगों के लिए सारी चीज़ें की जा रही, मुहैया की जा रही है, उसको और आगे लेके जा सके, उस पर बेहतर कर